ना उनके घर डिनर पे गई थी, तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, बस सिंपली मतलब एक दूसरे को हमने देखा, सिर्फ बात नहीं हुई थी। फिर इनकी जो मौसी की बेटी है उसने मेरा नंबर ले लिया था, तो फिर जब मैं चली गई थी वहाँ से, तो फिर उसके बाद इसने मुझे कॉल किया, तो मुझे लगा मुकेश का कॉल है। उसके बाद फिर ऐसे ही, फिर मतलब ऐसी इसी गलत फहमी में हमारी ऐसी बात शुरू हो गई थी। बस फिर ऐसे धीरे 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 हमारी सी बातें शुरू हुई, मैं पहले चैट करते थे, फिर कॉल शुरू हो गई थी, फिर धीरे धीरे ऐसे इंटरेक्शन बढ़ा और बस स्टार्ट हो गई हमारी दोस्ती। आपकी शादी है यार, थोड़ा सा भाई वाला दुख तो होता है, पर इस बात की खुशी है कि मुकेश जीजू जैसे लाइफ पार्टनर आपको मिले। वो बहुत केयरिंग हैं, उनकी फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव है। जीजू आपके लिए एक मैसेज है, दीदी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, घर आपका मुझे पता है, मैं कभी भी पहुँच जाऊँगा। और दीदी जब भी आप घर आओगे मेरे लिए एक शर्ट ज़रूर लेकर।
शादी से पहले हमको ऐसा लगता था जैसे जितना भी हम एक दूसरे से टाइम स्पेंड करते थे वो काफ़ी कम लगता था। आज से 20-25 साल बाद जब ये मोमेंट हम दोबारा याद करें, मैं चाहूँगा कि हमारा प्यार यूँ ही बना रहे और हमारा रिलेशन और मजबूत हो जाएगा। बहुत लड़की है जो ऐसी लड़की में जो इतनी अंडरस्टैंडिंग और हर इसकी मीन्स उनकी फैमिली को इतना अंडरस्टैंड करती है, उनके भाई उनकी बहन है। और मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस, हैप्पी मैरिज। अब हम जिंदगी भर साथ रहेंगे, खुश रहेंगे और बहुत खुश रहेंगे। आई लव यू। आई लव यू।